मॉयर प्रबंधन की भी बात नहीं मान रही चाइनीज कंपनी। सीमा पर हिंसक झड़प के बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारत सरकार के उपक्रम मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड में कार्यरत चाइनीज कंपनी चाइना कोल CC3 ने 62 भारतीय मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ये मजदूर पिछले एक साल से इस कंपनी के लिए अंडरग्राउंड शाफ्ट निर्माण का कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन में कंपनी का काम बंद हो गया था। एक सप्ताह पहले कंपनी ने दोबारा काम शुरू किया, लेकिन कोविड संक्रमण के बहाने सारे भारतीय मजदूर काम से बंद कर दिए गए। परेशान मजदूरों ने इस मामले में कलेक्टर से गुहार लगाई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी मॉल के प्रबंधन ने भी उनके यहाँ काम कर रही चाइनीज कंपनी से इस श्रमिकों को वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन चाइनीज कंपनी कोरोना के बहाने इन मजदूरों को वापस लेने को तैयार नहीं है। अंडरग्राउंड वर्कर हूँ और लॉकडाउन के चलते में अभी हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद अभी जब से खुला है, जब से काम भी चालू है, तो उन्होंने किसी भी इंडियन वर्कर को काम पे वापस लेने से मना कर दिया। क्या कह रही चाइनीज कंपनी, क्यों इंडिया जा रहा था? वो लोग का कहना यही है कि जितने बार भी जाओ तो लोग यही कहते हैं जब तक हमको ऊपर से परमिशन नहीं आएगी, जब तक हम इंडियन वर्करों के साथ काम नहीं करेंगे। ये लोग कोरोना वो बताना है सब उनसे, वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ हम काम करते तो यहाँ से तुम खुले से आते हो तो कोरोना होने का डर रहेगा, यही कारण बताते हैं। चाइनीज कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है। हमने पहले वर्बल इंस्ट्रक्शन दिया था, इवन बाद में राइटिंग में भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनको जब भी आपका काम चालू होगा इन सबको रखना है। उनका बार बार यही कहना है कि हमें हमारा जो हेड ऑफिस है चाइना में, वहां से इंस्ट्रक्शन है कि क्योंकि इंडिया में कोरोना ज्यादा फैल रहा है तो इनको चाइनीज वर्कर के साथ में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। तो टाइम भी उन लोगों को अभी ड्यूटी पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरिम रिलीफ ऑलरेडी दे चुके हैं और हम लोग उनके अल्टरनेट जॉब का अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो कि अभी विद इन 1 वीक हो जाएगा।